खुद को तू जान ले, खुद को तू मान ले, रोशन तेरा आने वाला कल होगा, जो लक्ष्य तेरा अटल होगा, हर हाल में तू सफल होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया टैलेंट पर। मैं हूँ रितेश ठाकर आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट LDC का इंग्लिश का पेपर, जो 13 मार्च 2022 को आयोजित हुआ था, जिससे कि आपको आज और 19 मार्च को जिनका पेपर है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर वो एक क्लास पूरी देखते हैं तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी क्लास देखना दोस्तों, है ना, जिससे आपको इनके आसपास के टॉपिक्स आप पढ़ लेना कि किस किस टॉपिक से आपके ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो आया था वो फिल इन द ब्लैंक्स का, आई थॉट यू वुड बी लेट अब डेस्ट डिनर। तो दोस्तों हम है ना मतलब किसी पर्पज के लिए फोर का यूज़ हम कब करते हैं, टू टॉक अबाउट ए पर्पज और रीज़न फॉर समथिंग। तो यहाँ पे आएगा आई थॉट यू वुड बी लेट फॉर डिनर। ठीक है दोस्तों, आप इसे रख के देख सकते हैं। और एट का यूज़ करते हैं अपन किसी छोटे स्थान से पहले अपन यूज़ करते हैं, जैसे आप कहीं रह रहे हैं किसी बड़े शहर में, किसी छोटे स्थान पर रह रहे हैं। जैसे मैं जयपुर में प्रताप नगर में रहता हूँ तो मैं बोलूँगा कि आई लिव एट प्रताप नगर इन जयपुर। ठीक है दोस्तों, ऑन का यूज़ अपन करते हैं के ऊपर, कोई चीज़ स्पर्श में है, किसी को छू रही है, किसी के ऊपर रखी हुई है और उसके टच में है। तो जैसे कि एग्जांपल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे अपन ऑन का यूज़ करेंगे। और विल का यूज़ अपन फ्यूचर टेंस के सेंस में करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द लेटर डेज हैव अराइव्ड बाय नाउ, तो ये क्या संभावना प्रदर्शित कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए अपन शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही होगा शुड, द लेटर हैव अराइव्ड बाय नाउ। आगे चलते हैं। अपेरेंट का मतलब होता है इजी टू सी, स्पष्ट, क्लियर और विजिबल। यहाँ पे अपने को एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको पता है विजिबल मतलब कि जो चीज़ दिखाई देती है अपने को, क्लियर मतलब स्पष्ट, प्योर यानी पवित्र, तो ये लगभग उसके सिनोनियम जैसे हैं। तो सिनोनियम अपने को बताना नहीं है, अपने को एंटोनियम बताना है, तो हिडन यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ मतलब यहाँ पे सिनोनियम पूछा है, तो आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना, कोई चीज़ अपने मन से करते हैं, नॉट प्लान्ड मतलब कि क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन ए डिज़ायर और आइडिया, अपनी इच्छा पे जो आधारित होती है, अनरीजनेबल, जिसके पीछे कोई कारण ना हो। तो यहाँ पे अपने को सिनोनियम बताना है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा इरेशनल। इरेशनल मतलब भी होता है नॉट बेस्ड ऑन रीजन या तर्कहीन कोई चीज़ होती है तो। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रीजन किसी कारण से, स्केप्टिकल मतलब होता है संशयवादी, कंसिस्टेंट मतलब होता है अपरिवर्तनीय, ऑलवेज हैविंग द सेम ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट डेस द डिमांड ऑफ द वर्कर्स, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा होगा एक्सीडेड टू, द मैनेजमेंट एक्सीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। When a king dies, his son is the heir to the throne. तो यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर होगा होगा हेयर। हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, ये हेयर वाला हेयर नहीं है, तो हेयर मतलब होता है बाल, हेयर यानी सुनना, एयर यानी हवा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हेयर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, क्लियरली सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। यहाँ पे अपने को इसका सिनोनियम पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब भी होता है सेपरेट पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर, अलग या विशिष्ट। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो ऑप्शन है उनका मतलब देख लेते हैं। डिस्ट्रेल मतलब होता है द पाथ क्रिएटेड बाई एयरक्राफ्ट। डिस्क्रीट मतलब होता है सावधान, सतर्क, विवेकशील या केयरफुल जो आदमी होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। और डेस्क्रिएट मतलब होता है कि धार्मिक स्थल को जो हानि पहुंचाने वाला या अपवित्र करने वाले को अपन बोलते हैं डेस्क्रिएट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कार्टोग्राफी
कार्टोग्राफी का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है कि अपन मतलब मैप्स की जो स्टडी करते हैं, इज़ द साइंस ऑफ ड्राइंग। कार्टोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ ड्राइंग। तो ये कार्टोग्राफी वर्ड मैप्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनलेस ही डेज द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन, आई शैल नॉट पे फॉर इट। तो यहाँ पे जो ये है कंडीशनल सेंटेंस है, तो मतलब ये जो पहला वाला जो मतलब क्या कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक कंडीशन दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो अनलेस ही डेज, तो यहाँ पे जो पहला वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, और आगे वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में होगा। मतलब आगे वाला सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, तो पहले वाला प्रेजेंट टेंस में होगा। तो अनलेस, अब आपको पता होगा कि अनलेस के साथ अपन क्या नॉट का यूज़ नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अनलेस ही हैज़ डन द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन, आई शैल नॉट पे फॉर इट। तो यहाँ पे हैज़ डन इसका सही आंसर होगा कि जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ उसके काम से, मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, ये इसका मतलब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस पूछा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा, ए कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेज द थ्री टो पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपुल। तो यहाँ पे जो ये पूरा जो है ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा आगे इसके, मतलब सब सिंगुलर वर्ब होती तो अपन अपने को पता है कि एस या ईएस वाली फॉर्म यूज में होती है, तो यूजेज यहाँ पे यूज सही सही है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वो देट आई हैड विंग्स, ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? इसके पीछे विस्मयबोधक वाक्य कहा जाता है इनको हिंदी में, इसके पीछे ये मतलब विस्मयबोधक चिन्ह का यूज़ हुआ है। तो इसको अपने को असरेटिव सेंटेंस में बदलना है। असरेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जो फीलिंग ओपिनियन को बताते हैं, जो डॉट से ख़त्म होते हैं वो सारे असरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आई विश आई हैड विंग्स। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। चूज द वर्ड विच कैन बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। तो इसमें अपने को फ्रेज का क्वेश्चन पूछा है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सोल्व ए डिस्प्यूट। मतलब कि किन्हीं दो जनों के बीच में या दो पार्टी के बीच में अपने को मध्यस्थता करने के लिए किसी आदमी को अपन चुनते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर, मतलब मध्यस्थ व्यक्ति। और बाकी ऑप्शंस का मतलब देख लेते हैं। कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है ये होस्ट ऑफ टीवी शो। ठीक है दोस्तों, ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास पैसे ना हो। ये ख़त्म हो गए वो, है ना। आगे चलते हैं। विटी एट का मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग, या किसी चीज़ को ख़राब करना। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिनोनिम पूछा है यहाँ पे, तो इसका सिनोनिम होगा करप्ट। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। ठीक है दोस्तों, बाकी डिग्निफाई का मतलब होता है सत्कार करना। आगे चलते हैं। डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाई नेक्स्ट वीक? तो इसका मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे, से ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। तो डू यू हैव, यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा इनफ, इनफ का यूज़ होगा। डू यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक? क्योंकि आपको पता है मेनी का यूज़ अपन काउंटेबल नाउन के यूज़ में उसमें करते हैं जब कोई चीज़ लार्ज नंबर में दी हुई हो, और मोस्ट का यूज़ अपन मेजोरिटी के सेंस में करते हैं, और लिटिल का यूज़ अपन अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जब जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ हो, वहाँ पे जहाँ पे थोड़ी सी मात्रा हो वहाँ पे अपन लिटिल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हैज़। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंडिया सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे अपन हैज़ का यूज़ करेंगे, और ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अपन अभी भी इसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैज सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑल द फूड क्विकली अपेयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री। तो यहाँ पे अपेयर्ड के पहले अपन ऐसा कौन सा वर्ड जोड़ें
जिससे कि ये पूरा वर्ड एक कुछ मीनिंगफुल सेंस दे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा वो होगा डिसअपेयर। डिसअपेयर मतलब कोई चीज़ गायब हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं डिसअपेयर, है ना। तो इसका सही आंसर होगा वो ये डिस होगा, क्योंकि मतलब सारे बच्चे भूखे थे तो खाना मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो गया टेबल के ऊपर से। ठीक है दोस्तों, आगे नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी होनर्ड। तो इसको अपने को कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे नन का यूज़ हुआ है तो ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिनके आगे नन, नोट, नो, नेवर, नथिंग इन सब का यूज़ हुआ हो। तो इसको अपन पॉजिटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे अफर्मेटिव में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी होनर्ड। ठीक है, नॉट ओनली नेगेटिव सेंटेंस है तो ये तो होगा नहीं, तो ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी होनर्ड। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। आगे इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ की छानबीन करना, खोजबीन करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लुक इनटू, मतलब कुछ जांचना। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन है उनके देख लेते हैं। लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है चारों तरफ ध्यान रखना। लुक ऑन का मतलब होता है घटना को घटते देखते रहना लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना। और लुक इन का मतलब होता है एक छोटी यात्रा करना या किसी को कॉल करना, ये लुक इन का मतलब होता है। आगे चलते हैं, अजय डेज टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। तो ये लास्ट वीक मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अब अपने को तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस हो गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो ड्रोव सही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, हैज ड्राइवन तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो ये होगा नहीं, और ड्राइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी नहीं होगा, विल ड्राइव फ्यूचर टेंस में चला गया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। द इन्फॉर्मेशन वॉज डेज सो दैट नो वन न्यू वॉट एक्चुअली हैपन्ड। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेंसर्ड। सेंसर्ड मतलब होता है कि टू रिमूव द पार्ट ऑफ ए बुक और फिल्म दैट माइट ऑफेंड पीपुल। तो आपको पता होगा कि दोस्तों कई बार मतलब कि मूवी में ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिसका बहुत सारे लोग फिर विरोध करते हैं, तो उस चीज़ को फिर हटाते हैं, तो उसका मतलब होता है सेंसर्ड। ठीक है दोस्तों, जो किसी की भावनाओं को आहत करने वाली कोई चीज़ हो तो फिर उसको वापस लोगों के विरोध के बाद उसको हटाना पड़ता है, तो वो उस वहाँ पे सेंसर्ड का यूज़ करेंगे। और सेंसर्ड मतलब होता है अनुचित काम करने की निंदा करना, बदसर ना करना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू सी गोट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे दोस्तों आउट ऑफ द ब्लू है, ये एक idiom है, इसका मतलब पूछा है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है सडनली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई चीज़ एकाएक या अचानक होती है तो वहाँ पे अपन आउट ऑफ द ब्लू का यूज़ में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली। आगे चलते हैं, लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। ये क्या एक मतलब पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में आपको पता ही है कि अपन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे द वर्ड प्रिस्ट कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स। तो प्रिस्ट के पीछे अपन एच डबल ओ डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रिस्टहुड। प्रिस्टहुड एक मतलब जहाँ पे पुजारी रहता है, द ऑफिस ऑफ द पोजिशन, द ऑफिस और द पोजिशन ऑफ प्रिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हुड। ठीक है दोस्तों, चूज द लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ। तो यहाँ पे ये सेंटेंस अपने को एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको अपने पैसिव में बदलना है। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो स्विच्ड क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो अब यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका जो सही आंसर हो वो हो जाएगा स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। ठीक है दोस्तों, दे सेड गुड बाय विथ ग्रेट सेड, फिर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स बिकॉज दे न्यू दे वुड प्रोबेबली नेवर मीट अगेन। उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कहा क्योंकि वो जानते थे कि वो वापस दोबारा नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ग्रेट सैड के पीछे अपन एन डबल ई एस जोड़ सकते हैं, ग्रेट सैडनेस मतलब बहुत ज़्यादा उदासी के साथ उन्होंने कहा।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर ये हो जाएगा। द प्रिंसिपल कॉल्ड द नेम्स ऑफ द कॉल्ड, फिर क्या कहते हैं, फिर डेस द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट हु हैड पास्ड। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आउट। तो क्योंकि कॉल आउट का मतलब होता है कुछ घोषणा करना, तेज आवाज़ में बोलना। प्रिंसिपल मतलब जो पास हुए उन बच्चों का नाम तेज आवाज़ में बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से कुछ करने के लिए कहना या मिलने जाना। कॉल एट का मतलब होता है किसी जगह थोड़ी देर रुकना। कॉल फोर का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से कुछ मांगना। ठीक है दोस्तों, पब्लिकली कुछ अपन कुछ मांगते हैं या कुछ डिमांड करते हैं तो वहाँ पे अपन कॉल फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ब्रिस्क का सिनोनियम पूछा है। ब्रिस्क का सिनोनियम होगा क्विक। मतलब ब्रिस्क का मतलब होता है कि फुर्तीला, क्विक, यूजिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़े। तो वैसे ही क्विक क्विक मतलब कि जय मतलब क्या कहते हैं, बहुत जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्विक। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है परावर्तित करना। आपने सबने फिजिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, कोरोइडिंग का मतलब होता है कि धातु का केमिकल रिएक्शन द्वारा क्षीण हो जाना। तो आपको पता होगा कि लोहा धीरे धीरे लोहे पर जंग लग जाती है ना, तो वहाँ पर इसका यूज ले सकते हैं। रिकॉन्साइल का मतलब होता है तालमेल बिठाना, कि नहीं दो जनों के बीच में या दो पार्टी के बीच में, दो देशों के बीच में, तो वहाँ पे अपन रिकॉन्साइल का यूज लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी सब्जेक्टेड टू डेस बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे मतलब सब्जेक्टेड टू मतलब कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है ना। तो इंक्वायरी के लिए यहाँ पे जो अपन यूज़ करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दे हेड ए चैट डेस ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ओवर है ना, क्योंकि चैट ओवर का मतलब होता है टू टॉक, मतलब कि बात करना, कन्वर्जेशन करना, डिस्कस करना। तो दे हैड ए चैट ओवर ए कप ऑफ टी मतलब कि आपको सबको पता होगा चाय की थड़ी पे बैठे बैठे अपन बातें करते हैं है ना, तो यहाँ पे होगा चैट ओवर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द यंग फेलो वॉज बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो इसका आंसर होगा बोर्न इन वेल्दी एंड लग्जरी। सिल्वर स्पून मतलब कि चांदी की चम्मच के साथ कोई पैदा हुआ है ना। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं कई बार कि इनको संघर्ष के बारे में क्या पता, मतलब ये तो मतलब क्या कहते हैं चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोर्न इन वेल्दी वेल्थ एंड लग्जरी, तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड बी सब्जेक्टेड टू, ये तो अपन ने कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अपन करेंगे, द कंपनी डेज मनी रिसेंटली। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, रिसेंटली का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये आपको इतना पता चल गया होगा कि प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हैज़ बीन लूजिंग, द कंपनी हैज़ बीन लूजिंग मनी रिसेंटली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एवरी वन नोज सुभाष बोस, ये अपने को अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसका अपने को इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। तो इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है हु प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना। और जब कभी भी एवरी एवरी वन नो बडी नो वन आए तो उसको अपन हु में चेंज कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हु डज नॉट नो सुभाष बोस। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। अगला क्वेश्चन है, इफ यू डैश यूअर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। अगर तुम्हारा पासपोर्ट खो गया है तो तुम्हें एम्बेसी में कॉल करना चाहिए।
तो खोना के यूज़ में जब क्या यूज़ होता है तो वहाँ पे अपन लूज़ का यूज़ करते हैं ना, और लूज़ मतलब होता है ढीला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लूज़ होगा नहीं, लॉस मतलब होता है नुकसान हानि, लॉस्ट मतलब होता है कि रास्ता खोज पाने में ऐसे, मतलब आप कहीं गए और क्या कहते हैं आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे अपन लॉस्ट का यूज़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। तो अपने को ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो अगर मतलब जिस टेंस में प्रेजेंट टेंस में रहता है, पास्ट पास्ट में रहता है, और फ्यूचर फ्यूचर में ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने को एक्टिव वॉइस दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा एक बात याद रखना कि वर्ब की हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ में लेते हैं, और कभी टू दिया हुआ हो तो टू के आगे हम हमेशा बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसकी पैसिव वॉइस का वो होता है, ठीक है। तो इसको अपन चेंज करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड बाई एवरीबडी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो टू के बाद बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूज़ हुआ है, बाकी किसी में भी टू के बाद बी नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रारेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है कि कम्प्लीटली डिफरेंट, जो किसी से बिल्कुल ही अलग हो वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं कॉन्ट्रेरी, है ना, अपोजिट, ठीक है। तो इसका अपने को एंटोनियम मतलब विलोम शब्द पूछा है, तो वो हो जाएगा इन एग्रीमेंट, मतलब किसी के साथ सहमति। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, इक्वल का मतलब होता है बराबर, सेम का मतलब होता है समान, अनडिसाइडेड मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है दोस्तों। एक किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड, जहाँ पे भी किलिंग का अगर सेंस आए, मतलब किलिंग के बारे में पूछा, तो उसके पीछे साइड वर्ड जरूर होगा, जुड़ा होगा एस आई डी ई, तो इससे आप अंदाजा लगा लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा होमिसाइड, ठीक है। एक पर्सन की दूसरे पर्सन के द्वारा हत्या, तो इसको अपन होमिसाइड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ही गेव ए लॉट ऑफ गुड। अब आगे मतलब डेज, तो आगे क्या होगा, तो गुड एक दोस्तों एडजेक्टिव होता है, क्या होता है विशेषण। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको अपन एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं। जैसे कि तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम ब्यूटीफुल हो, है ना, तो ये सारे विशेषण हैं। तो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की। तो यहाँ पे नाउन क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो नाउन है वो है एडवाइस, है ना, ए डी वी आई सी। यहाँ पे दो स्पेलिंग होती है, एडवाइस नाउन होता है, एडवाइस वर्ब होता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको बताओ, अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो तो एस आता है, मतलब क्या कहते हैं, वैसे भी इंग्लिश में एस के पास जो वी सबसे पास में आता है ना, तो जिसमें एस आएगा वो वर्ब होगी, आप ऐसे याद रख लेना, है ना। एस 19 पे आता है, वी 22 पे आता है, तो मतलब पास पास में आते हैं, तो एस वाली वर्ब होगी, इसको ऐसे याद रखना आप, ठीक है दोस्तों। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन इसके ऊपर। अब अगला क्वेश्चन जो था वो आया था, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनादर इज कॉल्ड, ठीक है दोस्तों। इसका जो सही आंसर वो होगा एम्बेसडर, राजदूत। ठीक है दोस्तों, दो आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हेलो जिम, आई डिडंट एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड टू सी यू टूडे, सोनिया सेड यू डेज इल। तो यहाँ पे अपने को पता होगा कि जो ये जो सेंटेंस है पहले पास्ट टेंस में चल रहा है, तो पास्ट टेंस में चल रहा है तो ऑप्शन भी अपने को पास्ट टेंस में से चूज करना है। अब आई और यू के साथ अपन हमेशा क्या, इनको प्रूलर मानते हैं, और इनके साथ हमेशा प्रूलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रूलर देख लो, वर होगा, ठीक है दोस्तों। आर भी प्लूरल है लेकिन सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में है, इसलिए अपन वर का यूज करेंगे, सोनिया सेड यू वर इल, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस डेस इज रॉन्गली यूज्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने को इनको जमा जमा के देख लेंगे अपन कि कौन सा सही है। तो मिस डीड मतलब होता है गलत कार्य, ठीक है दोस्तों। मिस डीड मतलब होता है गलत कार्य, और मिस लीड मतलब किसी को मिसलीड करना, उसका पथ भ्रष्ट कर देना, तो उसको मिसलीड। मिस जज का मतलब होता है गलत धारणा, किसी को गलत जज करना,
है ना, किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना, और मिसेज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाउ लक्की आई एम हैव टू फ्रेंड लाइक यू। तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, आई एम का यूज़ हो रहा है, तो इसको अपन चेंज करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा याद रखना कि टेंस चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। तो अब क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में अपने को आपको पता होगा कि हम वॉज का यूज़ करते हैं, वॉज या वर का। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, मतलब क्या कहते हैं, जहाँ पे वॉज का इज़ यूज़ हो रहा है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी सेड इन ग्रेट वंडर दैट आई वॉज ए लक्की फ्रेंड, तो ये ऐसा कुछ जम नहीं रहा, तो ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी सी सेड इन एक्सप्लेनेशन दैट हाउ, ये भी कुछ जम नहीं रहा, मतलब क्या कहते हैं, पूरा सेंटेंस को अलग इधर उधर कर दिया, तो ये होगा नहीं। ये इसका सही आंसर होगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज लक्की टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसमें अपने को ग्रामेटिकल इरर बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट इफ़ वी हैड टाइम ही विल बी विजिटिंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा पार्ट गलत है, तो आपको पता होगा कंडीशनल सेंटेंस में जब इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो, है ना, तो ये कंडीशनल क्लॉज होता है, मतलब कि एक तो इसका पहला क्लॉज होता है और एक इसका दूसरा क्लॉज होता है। तो फर्स्ट क्लॉज जब क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ हो, जैसे कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे हम वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री का यूज़ करते हैं हमेशा, है ना। तो ये ही विल बी विजिटिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसकी जगह होगा ही वुड हैव विजिटेड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मेन फियर फिर डेथ और डेथ, तो यहाँ पे हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब नेचर साइंस डेथ लाइफ का यूज़ जब जनरल सेंस में करते हैं, तो हम उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटिटी, एंटिटी के आगे अपने को प्रीफिक्स जोड़ना है, तो यहाँ पे जुड़ेगा नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी मतलब अस्तित्वहीन व्यक्ति, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये अपने को क्वेश्चन पूछा है, ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम सर, है ना। तो ये अपने को एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, तो इसको पैसिव में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, अभी हम अपन ने पढ़ा था कि जब भी एक्टिव वॉइस में टू आता है, तो उसके आगे हम बी का यूज़ करेंगे, हमेशा बी का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लो, दो ऑप्शन में बी आ रहा है ना, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे नीचे वाले, तो ठीक है, दो ऑप्शन में बी आ रहा है। तो ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाई पीपुल, तो ये तो सेंटेंस को इन्होंने मतलब इधर उधर कर दिया, तो ये तो होगा नहीं। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, है ना, ये इसका सही आंसर होगा दो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रकाश डेस टेनिस फॉर एन हावर व्हेन द न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, प्रकाश हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन हावर व्हेन द न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। जो एक्शन पास्ट में चालू होके किसी स्पेसिफिक टाइम तक पास्ट चल रहा है, तो वहाँ पे अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नाइदर ऑफ द टू बुक्स डेज फाउंड यूजफुल, तो यहाँ पे अपन वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक चीज़ होती है कि नाइ जहाँ पे जहाँ कहीं भी नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन अगर हो, तो आगे अपन सिंगुलर वर्ब का यूज़ में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपने को ईडियम पूछा है, दे आर एट ड्रेगर्स ड्राउन, ड्रेगर्स ड्राउन का मतलब होता है कि कट्टर दुश्मनी, है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेट रिलेशन, मतलब तनावपूर्ण संबंध। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक्सपोनिएज का अपने को एंटोनिम पूछा है। एक्सपोनिएज का मतलब एंटोनिम पूछा है, तो एक्सपोनिएज मतलब होता है इरेज करना, किसी चीज़ को डिलीट करना, डिस्ट्रॉय करना, या रिमूव कम्प्लीटली, हटाना मिटाना, वहाँ पे अपन एक्सपोनिएज का यूज़ करते हैं। तो अब इसका एंटोनिम जो विलोम शब्द होगा वो होगा इंसर्ट, किसी चीज़ को इंसर्ट करना, जोड़ना किसी में, है ना, तो वहाँ पे अपन, तो इसका ये इंसर्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है,
ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। ही लुक्ड, लुक्ड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें दी हुई है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस है, अपने को पैसिव वॉइस में जाना है। तो ये तो इतना तो कंफर्म है कि टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस हमेशा पास्ट टेंस में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लो आप, विल भी आ गया तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर टेंस में चला गया। ठीक है दोस्तों, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, तो ये भी कुछ जम नहीं रहा। और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में होती है, तो थर्ड फॉर्म आप देख लो, द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, तो ये बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वेल लुक्ड आफ्टर ये चालू ही मतलब क्या कहते हैं, इससे चालू हो गया तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।